नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में। हाल ही में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जापान के अंदर, और जापान के दक्षिणी इलाके में नानकाई घाटी के नाम से एक समुद्री क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये झटके महसूस किए गए हैं जिनकी तीव्रता जो है वो 7.1 बताई जा रही है। तो ऐसा जापान के मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और उन्होंने यह भी कहा है कि अगली बार फिर से एक और भूकंप का झटका आने वाला है। वो कब आएगा ये नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक और भूकंप का झटका आने वाला है जिसकी वजह से उसे महाभूकंप कहा जा सकता है। उसकी तीव्रता 8 या 9 या फिर इससे भी अधिक हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थी जापान की घटना, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन जान लेते हैं भूकंप के बारे में थोड़ी सी जानकारी। भूकंप भू प्लस कंप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और इसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है कि भूमि का कंपन करना भूकंप कहलाता है। तो धरती का कंपन करना क्या होता है? भूकंप होता है। अब बात करते हैं सिस्मोलॉजी क्या होता है। सिस्मोलॉजी जो होता है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर भूकंप का अध्ययन किया जाता है, और जिसके अंदर भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और सिस्मोग्राफ नाम का एक यंत्र होता है जिसके माध्यम से भूकंप के कंपन की तीव्रता को नापा जाता है। तो इस तरीके से हो गया सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए काम में लिया जाने वाला यंत्र है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो भूकंप आने के पीछे कारण क्या हो सकता है, तो कारण दो प्रकार के कारण हो सकते हैं। या तो पहला कारण हमारा हो सकता है प्राकृतिक कारण, या फिर हम कहें मानवीय कारण। सबसे पहले बात कर लेते हैं मानवीय कारणों की। मानव के द्वारा अगर कोई गतिविधि की जा रही है तो भूकंप आ सकता है। जैसे कि अगर किसी मानव ने परमाणु विस्फोट करने की कोशिश की है तो वहाँ भूकंप आएगा। पहाड़ों में अगर कोई सड़क निर्माण का काम चल रहा है, बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से अगर मानव के द्वारा कोई गतिविधि की जाएगी ना तो उसे मानवीय भूकंप बोला जाएगा। मानव के द्वारा की गई गतिविधि के कारण आने वाला भूकंप मानवीय भूकंप होता है। इसके अलावा एक होता है प्राकृतिक भूकंप। प्राकृतिक भूकंप का मतलब हो गया कि प्राकृतिक घटनाएं उसके लिए जिम्मेदार होती है, और प्राकृतिक घटनाओं में अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा। जैसे कि दो प्रमुख सिद्धांत चलते हैं, एक तो अमेरिकी वैज्ञानिक HF रीड के द्वारा दिया गया है जिसे इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। प्रत्याक्ष पुनश्चलन का सिद्धांत उसका नाम है, तो प्रत्याक्ष पुनश्चलन का सिद्धांत उसको बोला जाता है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इस सिद्धांत के अंदर बताया गया है कि जैसे कि रबर बैंड को आपने देखा होगा और उसको खींच करके देखा होगा, जब आप खींचोगे तो वो टूट जाएगा, एक समय बाद में वो टूट जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारी पृथ्वी में भी कई जगहों पर खिंचाव होता है, आपस में कई जगह पर खिंचाव होता है, और जब वो खिंचाव टूटता है, जब ज़्यादा हो जाता है अच्छे, तो वह टूट जाता है। तो इस तरीके से घटनाएं सामने देखने को मिलती है। लकड़ी को देख लो आप, अगर लकड़ी को आप मोड़ोगे और मोड़ने के बाद में एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद में वह मोड़ना बंद हो जाएगी, और फिर भी आपने मोड़ने की कोशिश की तो वो टूट जाएगी। इसी तरीके से हमारी जो धरातल है, जो धरती है, वो भी इसी तरीके से जुड़ी हुई है। जब उसके अंदर एक तरीके से बोले तनाव ज़्यादा आ जाता है तो वह टूट जाती है, तो टूट जाती है या फिर उसमें कंपन उत्पन्न होता है, तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो यह जो थ्योरी दी है वो HF रीड ने दी है, जो कि एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह भी एक प्राकृतिक कारण बताया जाता है। इसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से प्रकृति में भूकंप आता है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में बताया गया है कि दो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई होती है, दो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई होती है, और वो प्लेटें जब उनमें आपस में किसी भी तरीके से घटनाएं हो सकती है, या तो वे दूर जा सकती है या वे पास की तरफ आ सकती है। जब पास की तरफ आएगी तो क्या बनेगा? पहाड़ बनेगा, और जब वो दूर जाएगी तो उसके अंदर क्या बनेगी? खाई बनेगी। और कभी कभी ऐसी भी घटनाएं आती है कि एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे चढ़ जाती है प्लेटें। तो इस तरीके से प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में बताया गया है कि धरती टुकड़ों में बटी हुई है, आपस में जो प्लेटें हैं, धरती की जो प्लेटें हैं वो आपस में किसी भी तरीके से क्रिया कर सकती है। तो उन क्रियाओं के पीछे का कारण भी इन्होंने बताया है अपनी थ्योरी के अंदर, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में। यह जो सिद्धांत दिया है वो हैरी हेस महोदय के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं हमारी आज की ताज़ा न्यूज़ जो कि हो सकती है जापान की। जापान के अंदर हाल ही में झटके महसूस किए गए हैं,
उनकी तीव्रता 7.1 बताई जा रही है। जापानी मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह सूचना जारी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे भी खतरनाक भूकंप अब आएगा, मतलब भविष्य में एक और भूकंप आने की बात की गई है। पिछली बार जब आया था तो 1944 और 1946 में लगातार ही दो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस बार एक भूकंप का झटका तो आ चुका है, दूसरा भूकंप का झटका कब आएगा इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, वो कभी भी आ सकता है। तो उन्होंने ये कहा है कि हर बार जितनी बार भी भूकंप के झटके आते हैं वो हमेशा ज़्यादातर पैरों में आते हैं, जोड़ों में आता है, ठीक है, यह बात उन्होंने कही है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो क्या बात कर सकते हैं, वो जो क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो क्षेत्र है नानकाई क्षेत्र। नानकाई क्षेत्र जो कि एक समुद्री इलाका है, नानकाई घाटी के नाम से भी उसे जानते हैं, और वहाँ पर प्राकृतिक कारण से आ रही है। जो भी भूकंप आता है वो प्राकृतिक कारणों से आता है, जैसा कि आपको मानचित्र में दिख रहा होगा दो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? एक तो फिलिपिन प्लेट और दूसरी यूरेशियन प्लेट। जब फिलिपिन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जॉइंट एक जगह पर है तो उस जगह पर भूकंप के झटके जरूर महसूस किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लेट विवर्तन की थ्योरी जो दी है हेरिहेस मोते ने, उसका यहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहा है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर दो प्लेटें आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ पर आना स्वाभाविक सी बात है। इससे पहले जब इसके ऊपर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे वो किए गए थे वर्ष 1770 ईस्वी के अंदर। 1770 ईस्वी में जब इसमें किया गया था भूकंप का झटका महसूस किया गया था, तो उस समय पर क्या हुआ था, तो उस समय पर माउंट फूजी नाम का एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। उसके बाद में 1854 के अंदर एक बार और भूकंप आया था, फिर 1944-1946 में भूकंप आया। उसके बाद में अब जो आने वाला है वो भी सबसे खतरनाक भूकंप बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लगभग 75% इकोनॉमी वहाँ की, जापान की इकोनॉमी है, वो पूरी की पूरी क्रैश हो जाएगी, उसका विनाश हो जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है जापानी मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये थी वो न्यूज़ जिसके बारे में आपने जाना कि जापान में किस तरीके से भूकंप की जो झटके महसूस किए जाते हैं वो एक क्षेत्र हो गया, भूकंप की एक रिंग बनती है, उस महासागर में एक रिंग तैयार होती है पूरी गोल तरीके से, और उस क्षेत्र के अंदर भूकंप के झटके ज़्यादातर महसूस किए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर के नाम से उस रिंग को जाना जाता है, जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें हमने जाना भूकंप क्या होता है, व्हाट इज़ द रीज़न भूकंप क्यों आते हैं, इसके बारे में अपन ने चर्चा की, इसके बारे में अपन ने चर्चा की मानवीय गतिविधि या फिर प्राकृतिक गतिविधि, प्राकृतिक गतिविधि के अंदर रेबाउंड थ्योरी और प्लेट विवर्तन की थ्योरी, जो कि हेरिहेस मोते ने और एच एफ रीड ने इन थ्योरियों को दिया है। तो इस तरीके से अपन ने जाना है। धन्यवाद दोस्तों।